सिंघम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म सिंघम अगेन का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पहले ऐसी खबरें आई थी कि ये फिल्म 15 अगस्त को अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा 2 के साथ रिलीज होने वाली है, लेकिन अब फिल्म मेकर्स ने सिंघम अगेन को दीपावली के मौके पर रिलीज करने का ऐलान किया है। फिल्म सिंघम अगेन के डायरेक्टर रोहित शेट्टी और अभिनेता अजय देवगन ने हाल ही में फिल्म का पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया है। रोहित शेट्टी ने पोस्टर के कैप्शन में लिखा कि शेर आतंक मचाता है, जख्मी शेर तबाही। वहीं अजय देवगन ने जो पोस्टर शेयर किया है उसमें लिखा है कि दिवाली 2024 को सिंघम दहाड़ने आ रहा है। पोस्टर देख फैंस बोले, एक नंबर सिंघम भाई। फिल्म के इस पोस्टर को देखते ही देखते हजारों लाइक्स मिल चुके हैं। सिंघम अगेन के साथ ही फिल्म भूल भुलैया 3 भी रिलीज होने वाली है। माना जा रहा है कि दोनों फिल्मों का टकराव देखने को मिल सकता है। सिंघम अगेन में अभिनेता अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह नजर आएंगे। वहीं इस फिल्म में अभिनेत्री करीना कपूर और दीपिका पादुकोण ने भी काम किया है। फिल्म में विलेन का रोल अर्जुन कपूर ने किया है। वहीं फिल्म भूल भुलैया 3 में अभिनेता कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी लीड रोल में नजर आएंगे। वहीं विद्या बालन मंजुलिका के किरदार में देखी जाएंगी। बता दें कि सिंघम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म सिंघम अगेन में रोहित शेट्टी के तीनों कॉप यूनिवर्स हीरो एक साथ नजर आएंगे। उनके कॉप यूनिवर्स में फिल्म सिंघम, सिंघम रिटर्न, सूर्यवंशी और सिम्बा शामिल हैं। इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म सिंघम थी, जो 2011 में रिलीज हुई थी। इसमें अजय देवगन ने जाबाज पुलिस अधिकारी बाजीराव सिंघम का रोल अदा किया था। इसकी सीक्वल सिंघम रिटर्न 2014 में रिलीज हुई थी। वहीं कॉप यूनिवर्स की दूसरी फ्रेंचाइजी सिम्बा थी, जिसमें अभिनेता रणवीर सिंह ने इंस्पेक्टर संग्राम भाले राव का रोल किया था। वहीं फिल्म सूर्यवंशी में अक्षय कुमार ने DCP पीर सूर्यवंशी का रोल निभाया था। भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की दो फिल्में पहले रिलीज हो चुकी हैं। फिल्म भूल भुलैया 2007 में रिलीज हुई थी, जिसमें अक्षय कुमार, शाइनी आहूजा, राजपाल यादव, परेश रावल और विद्या बालन ने रोल अदा किया था। ये फिल्म हिट साबित हुई और इसने 83 करोड़ का बिजनेस किया था। वर्ष 2022 में फिल्म का दूसरा भाग भूल भुलैया 2 रिलीज किया गया था। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 266 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म में अक्षय के स्थान पर कार्तिक आर्यन ने काम किया था। इसके अलावा कियारा आडवाणी और तब्बू मुख्य भूमिका में नजर आए थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।